लेक्चर में हमने ये ऑप्टिमम क्वालिटी मतलब कॉस्ट और क्वालिटी लेवल का डायग्राम पढ़ लिया था। तो इसमें जो फेल्योर कॉस्ट थी वो जैसे जैसे क्वालिटी लेवल बढ़ाते हैं वैसे वैसे फेल्योर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करती है और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस बढ़ती है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ये फेल्योर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमम होती है। इसी को ऑप्टिमम क्वालिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये रह गया था, बाकी ये सारा हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेथड, तो देख लेते हैं उन्हें। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे आता है बेंचमार्किंग प्रोसेस। बेंचमार्किंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि तो बेंचमार्किंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम करते क्या हैं कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट जो ये कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोसेस होता है ये बेंचमार्किंग प्रोसेस। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट प्रोसेस जो अवेलेबल है मार्केट में और जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट या फिर सर्विस की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, कुछ ऐसे हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विथ कंपेयरिंग बट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। और इसके स्टेप देख लेते हैं बेंचमार्किंग प्रोसेस के जो स्टेप हैं। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एक प्रोसेस को। उसके बाद अगला स्टेप होगा डिटरमाइन द करेंट परफॉर्मेंस, मतलब उस प्रोसेस के द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना परफॉर्मेंस दे रहा है ये देखेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कि डिटरमाइन हेयर परफॉर्मेंस शुड बी, मतलब परफॉर्मेंस कहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं कि कितना गैप है दोनों के बीच में। डिटरमाइन द परफॉर्मेंस गैप, मतलब जितनी हमारी परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की और जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई ख़राबी है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम होगी कंपैरिजन तो जितनी होनी चाहिए। तो इस गैप को हम देखेंगे जो इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, डिज़ाइन एन एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान डिज़ाइन करेंगे और कंटिन्यूसली इम्प्रूव एंड फिल द गैप, मतलब इन दोनों गैप के बीच की जो जगह है उसको फिल करने के प्रोसेस करेंगे। मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको हम, हमारी जो करेंट परफॉर्मेंस है उसको हम जहाँ परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस वहाँ तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बेंचमार्किंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। अगला मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है, क्वालिटी सर्कल जो होता है वो सिमिलर जो वर्कर होते हैं जो एक तरह का काम करते हैं या फिर एक ही इंडस्ट्री में सिमिलर वर्क करते हैं उनका ग्रुप होता है। ये वर्कर क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक मीटिंग अरेंज करते हैं, इसी को हम क्वालिटी सर्कल करते हैं कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वालिटी सर्कल इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु डू द सेम या फिर सिमिलर वर्क, ये मेन है सेम या फिर सिमिलर वर्क, हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एनालाइज एंड सॉल्व द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब ये रेगुलरली मीटिंग करते हैं किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और आइडेंटिफाई एनालाइज और सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एनालाइज करेंगे सारे मिल करके, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे जितने वर्कर होते हैं एक ही सेम तरह के वर्क से रिलेटेड वो मिल करके क्वालिटी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम थ्री, मतलब इसमें मिनिमम तीन या फिर मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं और इसमें एक फैसिलिटेटर होता है, इस ग्रुप का एक फैसिलिटेटर होता है। तो जो अब देखते हैं मेन फीचर क्या है क्वालिटी सर्कल के, तो क्वालिटी सर्कल के जो मेन फीचर हैं वो देख लेते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटी सर्कल में पहले नंबर पे आता है वो वॉलंटरी ग्रुप होता है। वॉलंटरी ग्रुप होता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वालिटी सर्कल इज़ ए वॉलंटरी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़,
एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स का वॉलंटरी ग्रुप होता है, जनरली कमिंग फ्रॉम सेम वर्क एरिया, मतलब एक ही तरह के वर्क एरिया से कमा आते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं एक बार पीछे। तो रेगुलर मीटिंग्स अगला पॉइंट है क्वालिटी सर्कल का, इसमें रेगुलर मीटिंग्स होते हैं। क्वालिटी सर्कल मीटिंग्स आर होल्ड वंस ए वीक फॉर अबाउट एन हावर रेगुलर बेसिस, मतलब वीक में एक बार एक घंटे के लिए रेगुलर बेसिस पे ये मीटिंग्स होती हैं, मतलब रेगुलरिटी होती है इन मीटिंग्स में। अगला पॉइंट है क्वालिटी सर्कल का इंडिपेंडेंट एजेंडा, मतलब ईच क्वालिटी सर्कल हैज़ इट्स ओन एजेंडा विथ इट्स ओन टीम ऑफ रेफरेंस, मतलब कोई इंडस्ट्री है तो उसमें कई सारे क्वालिटी सर्कल हो सकते हैं और जितने भी क्वालिटी सर्किल होंगे उसका अपना खुद का एजेंडा होगा, उनके जो उसके मेंबर हैं वो सारे एक ही वर्क से रिलेटेड होंगे तो उनके खुद के एजेंडा होगा अपने वर्क से रिलेटेड, ठीक है। तो ईच है इंडिपेंडेंट एजेंडा होता है सारे क्वालिटी सर्कल्स का, ठीक है। अगला पॉइंट है क्वालिटी फोकस्ड, क्वालिटी फोकस्ड मतलब होता है इट शुड बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी इशू, मतलब मेनली जो इनका फोकस होता है वो क्वालिटी से रिलेटेड होता है। अब एम देख लेते हैं क्वालिटी सर्कल के, तो क्वालिटी सर्कल के जो एम हैं वो है मेन एम है जो वो इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रूज कर इम्प्रूव करना और सेफ्टी एंड कॉस्ट रिडक्शन, मतलब सेफ्टी बढ़ाना और कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये मेन एम होते हैं। सेकेंडरी एम जो होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है तो ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सेकेंडरी एम में जो होता है वो होता है टू गिव चांस टू एम्प्लॉयज़ टू यूज़ देयर विजडम एंड क्रिएटिविटी, मतलब इसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सब क्वालिटी सर्कल का पार्ट हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 3 से 12 के बीच में होते हैं, तो जितने भी 12 होंगे वो अपनी अपनी विजडम के हिसाब से, मतलब उनको इतनी विजडम होती है कि वो अपने क्रिएटिविटी को सबके सामने रख सकें, ठीक है। और अगला पॉइंट है टू इनकरेज टीम स्पिरिट्स, मतलब टीम की स्पिरिट को इंक्रेज करता है। कोहेसिव कल्चर एमंग द डिफरेंट लेवल्स, मतलब जैसे एक टीम में सारे मिलकर रहेंगे तो उनमें कोहेसिव कल्चर आएगा डिफरेंट लेवल पे। और एंड सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज डिफरेंट लेवल सेक्शन पे, मतलब जितने अपर लेवल लोअर लेवल इनके बीच में कोहेसिव कल्चर आता है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट डिक्रीज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अगला पॉइंट है टू इम्प्रूव सेल्फ एंड अदर, मतलब इसमें खुद को और दूसरों को भी इम्प्रूवमेंट होती है, सेल्फ एंड अदर इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट से मतलब है कि अपने आइडिया तो आते ही हैं, दूसरे के आइडिया भी मिलते हैं, जिसकी वजह से जो वर्क है उसके प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके बाद अगला आता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़, क्वालिटी बढ़ती है और वर्क लाइफ भी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की, क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और वर्क लाइफ बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ की वर्क लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। ये इसका मेन एज वो था सेकेंडरी एम में थे, ये हमने पढ़ा था क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल पे ये सारे फीचर्स पढ़े थे। और पहले हमने पढ़ा था बेंचमार्किंग, ये मेथड ऑफ जनरेशन सॉल्यूशन टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इम्प्रूव करने के सॉल्यूशन है, जिसमें पहले हमने पढ़ा बेंचमार्किंग, दूसरा हमने पढ़ा क्वालिटी, अब तीसरा जो हम पढ़ने वाले हों है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी आया हुआ है पेपरों में। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए मेथड फॉर जनरेटिंग आइडियाज टू सॉल्व डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन प्रॉब्लम में जो भी आइडियाज मतलब डिज़ाइन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड हम आइडिया को डेवलप करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज एंड सॉल्यूशंस थ्रू इंटेंसिव एंड फ्री फीलिंग ग्रुप डिस्कशन, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करते हैं कि कई सारे
मतलब एक ग्रुप में कई सारे मेंबर ले लेते हैं और उन मेंबरों को कहते हैं, तो वो अपना अपने आइडिया देते हैं कि कैसे डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जाए, डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। ये सब क्रिएटिव आइडिया जो भी आते हैं उनके ब्रेन्स में, वो सारे के सारे आइडिया अपने डिस्कस करते हैं जो ग्रुप मेंबर होते हैं, तो इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, एक डिसे दूसरे हाँ दूसरे शब्दों में बोलेंगे, एक डेफिनेशन और है, इट इज़ यूज्ड इन द ब्रिंगिंग सॉरी ये पॉइंट है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कब हम करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन बिगनिंग ऑफ स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जब प्रोजेक्ट हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करने वाले होते हैं तो उसकी बिगनिंग स्टेज जो होती है उसमें यूज़ करते हैं। इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड आर डिफाइन। जब हम प्रोजेक्ट को किस मेथड से करें ये सही से पता नहीं होता, तब हम उस टाइम पे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब इसके बाद होता है अगला जो मेथड है वो ट्रैक मिस्टेक्स, इससे रिलेटेड है। अगला मेथड में मिस्टेक्स को हम ट्रैक करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे क्वालिटी के, इसके बाद क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें ट्रैक मिस्टेक में क्या करते हैं, एनालाइज द प्रीवियस डाटा एंड आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स व्हिच लीड्स टू सबस्ट्रेंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब जो भी पीछे पीछे का डाटा है पिछली बार का, उसको हम एनालाइज करते हैं, और जो भी मिस्टेक हुई थी प्रोजेक्ट को बनाते समय डेवलपमेंट करते समय उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ जनरेट सॉल्यूशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी। और जो पिछले मतलब मिस्टेक्स हैं उनको हम वो कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो ये मेथड जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए है, ट्रैक मिस्टेक्स मेथड। जैसा नाम है वैसे ही करना है। इसमें प्रीवियस डाटा लेते हैं और उसमें जो मिस्टेक हुई हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना है, उनको एलिमिनेट कर देना है बस। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है 2017 IAS में जो पूछा गया, एक यह है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। तो ये तो बात पता ही होगा, क्वालिटी सर्कल इज़ ए मेथड टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट थ्रू इंडिविजुअलाइजिंग द वर्कर्स। द मेन एम ऑफ क्वालिटी सर्कल इज सेल्फ डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस रूट लेवल एम्प्लॉयज। तो इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? तो पहला स्टेटमेंट जो होता है वो होता है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। अगला मतलब सेकेंड जो पार्ट इसका होता है, ये सारे क्वेश्चन में सेम ही लिखे जाते हैं, ए बी सी डी जो होते हैं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इंडिविजुअली ट्रू एंड टू इज़ द सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, और सी है स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू एंड बट स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स, और डी जो होता है इसका ऑप्शन वो होता है स्टेटमेंट वन इज़ फॉल्स स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये हमेशा सेम रहते हैं, ये ये स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस आते हैं इसमें ये ऑप्शन सेम रहते हैं हमेशा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकेंड फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी रीजन वाला है। तो स्टेटमेंट वन बोलता है क्या है कि क्वालिटी इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट एरा थ्रू कंपटीशन। तो ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी ज़रूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज़
कन्फाइंड ओनली टू कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, हमने पढ़ा है कि क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के लिए होती है। तो प्रोसेस में हम मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिमिटेड थोड़ी ना है। तो ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछना है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चार हैं, चार में से कौन सा सही है देख लेते हैं। क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल एक्सपर्टाइजर। तो ये तो गलत हो गया, सेम एरिया के होते हैं और एक एक्सपर्टाइजर होता है सिर्फ। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हाँ चलो, एक ही एक्सपर्टाइजर होता है और सेम एरिया के होते हैं। सेकंड ग्रुप है, इट कंसिस्ट, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वॉलंटियर देमसेल्फ। तो ये सही है, वॉलंटियर होते हैं। इट इज़ ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक, ये भी सही है। ठीक है, इट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्म, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन वन गलत है, बाकी सब सही है। तो 2, 3, 4 ओनली, तो ए पॉइंट ही सही है। ठीक है, अब इसके बाद अगला बस इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगला लेक्चर क्वालिटी गुरु से रिलेटेड है, तो वो करेंगे अगले लेक्चर में। क्वालिटी गुरु अगला टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए।